पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अस्थियों का विसर्जन कल कर दिया गया है। अस्थियां विसर्जन करते वक्त सिद्धू के पिता का जो हाल था उसे बयां कर पाना शब्दों में नामुमकिन है। अस्थियां विसर्जन करते हुए सिद्धू के माता पिता की जो मार्मिक तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया है। 28 साल के नौजवान बेटे की अस्थियां इस तरीके से विसर्जित करना किसी पिता ने सोचा भी नहीं होगा। इस वक्त सिद्धू के माता पिता बिल्कुल अकेले हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। अस्थियां विसर्जन करते हुए सोशल मीडिया पर कल कई सारी वीडियोज और फोटो सामने आई। जिस तरीके से सिद्धू के पिता अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे और बार बार बदहवास हालत में अपने बेटे सिद्धू को याद कर रहे थे, जिसने भी ये नज़ारा देखा वो अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को नहीं रोक पाया। एक और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है सिद्धू के पिता की। फोटोज में आप देख सकते हैं किस तरीके से सिद्धू के पिता ने अपने बेटे की अस्थियों को सीने के पास बांधा हुआ है। जैसे ही सोशल मीडिया पर सिद्धू के पिता की ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई उसके बाद हर कोई अपना दिल थामने लगा। जिस तरीके से सिद्धू के पिता ने अपने बेटे की अस्थियों को अपने दिल के पास बांधा हुआ है उसके बाद हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया। हर कोई सिद्धू के पिता को लेकर काफी इमोशनल ट्वीट्स कर रहे हैं। लोग काफी इमोशनल हो रहे हैं सिद्धू के माता पिता को देखकर, क्योंकि उनका नौजवान इस दुनिया से इस हालत में गया जिसने कभी सोचा नहीं होगा। फोटोज में आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर के कपड़े में सिद्धू के पिता ने अपनी बेटी की अस्थियों को बिल्कुल अपने सीने के पास बांधा हुआ है। रोता हुआ चेहरा, आंखों में दर्द ये बयां कर रहा है कि सिद्धू के माता पिता के लिए गम छोटा नहीं है। जिसका बेटा छोटी सी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दे उसके लिए दुनिया में जीना कितना मुश्किल हो जाता है कोई सिद्धू के माता पिता से पूछे। ये फोटोज जो आप देख रहे हैं ये कल की फोटोज हैं जब सिद्धू के पिता ने अपनी बेटी की अस्थियों का विसर्जन किया। अपनी बेटी की अस्थियों को सीने पर बांधे एक पिता लोगों से दरख्वास्त कर रहा है। उसकी ख्वाहिश है, उसकी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सिद्धू के कातिलों को पकड़ा जाए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। सिद्धू का जाना उनके माता पिता के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख होगा। इस वक्त दोनों का काफी बुरा हाल है। हालांकि उन्हें संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनकी बेटी की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा।